दुमका में हुई देश को शर्मसार करने वाली घटना। आपको बता दें कि दुमका में एक विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुर्माहाट इलाके में शुक्रवार की देर शाम एक स्पेनिश महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। जानकारी के अनुसार स्पेनिश महिला टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। घूमने के दौरान रात होने पर महिला अपने पति के साथ कुर्माहाट इलाके में खेत में टेंट लगाकर आराम कर रही थी। इसी दौरान वहां आए कुछ बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद युवाओं ने मारपीट भी की। विदेशी महिला के साथ हुई दरिंदगी की गूंज विधानसभा में भी देखने को मिली। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में भाजपा के विधायक अमित मंडल ने इस मामले को सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना से राज्य के साथ साथ देश का नाम खराब हो रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें सिर्फ लीपापोती की जा रही है। अमित मंडल ने वहां के एसपी को तत्काल सस्पेंड करने की मांग की है। संसदीय कार्य मंत्री को संज्ञान में लेने को कहा और जांच कमेटी बैठाने को कहा। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बलात्कारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वहीं सदन में भारी हंगामा हुआ। हंगामे को देखते हुए सदन को दो बार स्थगित करना पड़ा। हंसडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है महोदय, और उस स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म करने में मामले की लीपापोती के लिए थाना प्रभारी और एसपी अमादा है अध्यक्ष महोदय। ये पूरे झारखंड की बदनामी नहीं, ये पूरे देश की बदनामी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि एसपी को तत्काल सस्पेंड किया जाए और मामला हमारे जो है संसदीय कार्य मंत्री उनके संज्ञान में आए और जांच कमेटी तुरंत बैठा के अध्यक्ष महोदय स्पेनिश महिला के साथ बलात्कार हुआ, 8-8 लोगों ने बलात्कार किया और बलात्कारियों को पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है अध्यक्ष महोदय, उनको बचाने का काम किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमारे राज्य के हित का मामला अध्यक्ष महोदय। झारखंड में हुई इस बड़ी घटना को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर झारखंड में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। इस तरह के आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस घटना को लेकर विधायक विरंची नारायण ने मध्य प्रदेश सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां जिस प्रकार बलात्कारियों को फांसी की सजा मुकर्रर की गई है, उसी प्रकार चंपई सोरेन सरकार सजा मुकर्रर करे ताकि इस तरह के कुकर्म करने से पहले लोग सोचे। आपको बता दें कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अपने आप में जितना भी निंदा की जाए वो कम, बहुत बड़ा अपराध है और झारखंड ही नहीं बल्कि देश के ऊपर भी एक बड़ा कलंक। और उसके बाद भी जो जानकारी जो मिली जिस प्रकार से उनके पास साथ घटना इस महिला के साथ और उनको लोकल जो सिया अस्पताल ले जाया गया था शायद मोटरसाइकिल से, ये जो जानकारी ये तो और ही दर्दनाक कहा। और इसलिए हमने डीजी पुलिस से बात की सवेरे और हमने उनको कहा कि भाई इस प्रकार की पुलिस अफसरों के ऊपर तत्क्षण कार्रवाई होनी चाहिए बिना। और उन्होंने बताया 3+1 शायद 4 लोगों की गिरफ्तारी, हम बोले उन लोगों को ऐसी सजा मिलना चाहिए ताकि दोबारा कोई इस प्रकार के, ये कहने को तो मैंने कह दिया। लेकिन मैं जितना झारखंड को जान रहा हूँ, खास करके जब से ये इंडी अलायंस गठबंधन की सरकार ने कानून व्यवस्था पूरी तरह से संथाल परगने की धरती में कई एक ऐसी घटनाएँ घटी और जहाँ हेमंत सोरेन जी जिस क्षेत्र से विधायक आते उस वक्त तो मुख्यमंत्री रूबी पहाड़ियन का आप सब लोगों ने घटना को पहले भी सुना, इस प्रकार से उसके साथ दरिंदगी हुई और उनको मारा गया और कितना 50 या 56 टुकड़ों में काट काट कर उसको फेंक दिया गया। उस परिवार तक हेमंत सोरेन कभी जा कर के भी नहीं मिले। और मैं तो यहाँ बार बार कहता हूँ कि झारखंड में कानून व्यवस्था क्यों खराब हुई, इसका मुख्य कारण जब पुलिस पदाधिकारियों से सत्ता में बैठे हुए लोग पैसा वसूली करते, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा वसूली करते,
हमारे पास तो यहाँ तक जानकारी है एक ही पुलिस अधिकारियों से 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया की मांग की जाती है, फिर क्राइम कैसे रोकेगा? तो अपराधी तो बेलगाम होकर के अपराध करते हैं, चूंकि उनको पता है पुलिस को हम कुछ पैसे दे देंगे तो हम बच निकल, और इस कारण से इस झारखंड में ये कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। ये बड़ा दुखद घटना है और इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई वहाँ जितने भी पुलिस ऑफिसर है SP से लेकर के थानेदार तक सबको सस्पेंड कर दें। जी जी, जब तक उनके ऊपर आप जवाबदेही नहीं फिक्स करेंगे तब तक ये कभी कंट्रोल नहीं हो सकता। पर रखना चाहा और इसके माध्यम से सरकार से जवाब चाहा। दुखद यह है कि मामले को डाइल्यूट करने के लिए प्रदीप यादव जी जो कांग्रेस के नेता हैं और दुर्भाग्य से उन्हीं के क्षेत्र की ये घटना है, संथालपुरना की ये घटना है, पूरा प्रदेश शर्मसार हो गया है, पूरा देश शर्मसार हो गया है। और दुख इस बात का है कि स्पेन की महिला के साथ जो बलात्कार हुआ है ये अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने, JMM के लोगों ने इतने संवेदनशील विषय को भी डाइल्यूट करने का काम किया, इसकी घोर निंदा करता हूं। और चंपई सोरेन जी से आग्रह करता हूं कि चंपई सोरेन जी जितनी जल्दी से जल्दी हो जो बलात्कारी हैं उनको ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दें। और एक और आग्रह करता हूं कि मध्य प्रदेश के तर्ज पर जिस तरह से मध्य प्रदेश ने बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा मुकर्रर की है उस प्रकार की सजा मुकर्रर कराएं ताकि इस प्रकार का कुकृत्य करने के पहले लोग 200 बार सोचें। थैंक यू, मुझे यही बात कहनी थी।